चौथे चरण में पहुंच चुका है। ये देख रहे हैं आप हिंदुस्तान का नक्शा, जहां लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, तीसरे चरण में ही आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव मुकम्मल हो गया था, 283 सीटों पर। और अब आज चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और ये जो 96 सीटें हैं, 10 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में ये वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आंध्र प्रदेश, सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना की भी सभी 17 की 17 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चौथे चरण में 13 सीटें हैं, महाराष्ट्र 11, इसके बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों की 8-8 सीटें हैं। बिहार में 5 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं, झारखंड ओडिशा में 4-4 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर 1 सीट जहां पर आज वोटिंग हो रही है। तो चौथे चरण के इस लोकतंत्र के पर्व में किस तरीके से बढ़ चढ़ कर सितारे हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं जूनियर एनटीआर को, जी RRR, फिल्म तो आपने यकीनन देखी होगी, उसी के हीरो जूनियर एनटीआर को आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सितारे जमीन पर नजर आ रहे हैं, सब आमो खास वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग है तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, पहले मतदान फिर जलपान सुबह सुबह, इससे पहले मौसम में गर्मी बढ़े ठंडे ठंडे मौसम में घर से निकलिए और वोट डालिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, सभी की तरफ से ये अपील की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अब डेटा सेंटर, ये चौथे चरण का जो रण है इसी से जुड़े कुछ अहम समीकरण है, वही जानते हैं जरा शिरीन से। बिल्कुल रोमाना, और अब समीकरण उन्नाव का, उन्नाव वीवीआईपी सीट है, और यहाँ का सबसे पहले समीकरण आप देखिए, कानपुर से सटी हुई लोकसभा की ये सीट है जिस पर सभी की नजर आज बनी हुई है, किसी एक पार्टी का गढ़ हालांकि ये कभी भी नहीं रही, किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रही है उन्नाव सीट। 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की थी, और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर अनु टंडन ने यहां से जीत हासिल की थी, 2009 का नतीजा रहा था। 2004 में बीएसपी के टिकट पर ब्रजेश पाठक जो उम्मीदवार थे वो यहां से जीते थे 2004 में। तो नाव सीट का ये समीकरण जो बताता है कि कैसे किसी एक पार्टी के खाते में कभी नहीं रहा, और अब साक्षी महाराज क्योंकि यहीं से वो सांसद भी हैं और चुनावी मैदान में भी देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, यूपी के उन्नाव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए साक्षी महाराज पहुंचे हुए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुबह सवेरे पोलिंग बूथ पर साक्षी महाराज की ये तस्वीरें जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो लगभग हर जगह से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वीवीआईपी हो चाहे सितारे हो, सुबह सवेरे पहुंच रहे हैं अपने पोलिंग बूथ पर ताकि जल्द से जल्द अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।